फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको जो एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, एमपी के स्टेट में एनएचएम के थ्रू जो स्टाफ नर्स के लिए पेपर हुआ था, इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझे मेरी दो फ्रेंड सृष्टि ठाकुर और काजल राजपूत के थ्रू मिले हैं। तो उन दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन दोनों ने पेपर दिया हुआ था उन्हीं के थ्रू ये क्वेश्चन मिले हैं मुझे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपको इस चैनल के सभी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में आपको मैं 50+ के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं, 53 के आसपास क्वेश्चन हैं कुछ, तो ये Part-2nd है। इसमें जो भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं जो दो कैंडिडेट्स के थ्रू मिलने वाले क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन है, किसके थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये रोका जा सकता है हैंड वॉशिंग के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर आएगा हैंड वॉशिंग। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसका टेंटेटिव शेड्यूल मीन्स मे भी हो सकता है अक्टूबर के सेकेंड वीक में आ जाए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच मॉस्क्यूटो कैन कॉज द डेंगू फीवर। सॉरी, तो डेंगू फीवर है जो फीमेल एडिस एगेप्टी मॉस्क्यूटो के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो स्कर्वी, आंसर इज द स्कर्वी। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर का क्या एडवांटेज है, ए इमोशनल बॉन्ड, वी वेट गेन, सी मेंटेन द टेम्परेचर और डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। इस आज के मीन्स एनएचएम स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ है, इसमें कंगारू मदर केयर से दो या तीन क्वेश्चन आए हैं। इसमें इन्होंने इसकी टाइमिंग पूछी है, बेनिफिट पूछे हैं और एक कब दी जाती है, सभी चीज़ें पूछी हैं। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन क्या है कंगारू मदर केयर के लिए, तो वह 4 आवर, 4 घंटे। नेक्स्ट इज फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड फीटल एक्सपल्सन अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर, तो ए होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है और फीटस है जो बाहर आ जाता है, एक्सपल्स हो जाता है, बर्थ हो जाता है फीटस का, तो वो कंडीशन कहलाती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ प्रोसेस इज सीन, पार्टोग्राफ प्रोसेस है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है। द यूज़ ऑफ द पार्टोग्राफ इज रिकमेंडेड एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग इंट्रापार्टम केयर, तो इंट्रापार्टम केयर होती है उसमें है जो देखने को मिलता है पार्टोग्राफ। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ पार्टोग्राफ, या फिर भी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। तो यहाँ पर क्या फेज है पार्टोग्राफ्स की, मैटरनल इंडिकेशन, फीटल हार्ट रेट, कलर ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड, मॉल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल, सर्वाइकल डायलेटेशन, फीटल डिसेंट, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें हैं जो पार्टोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं। ग्राफिकल डेटा इसमें काउंट होता है पूरा, वही इसमें पार्टोग्राफ की फेजेस में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है जो होती है 120 to 160 beat per minute। नेक्स्ट इज वेरी लो बर्थ वेट बेबी, तो जो वेरी लो बर्थ वेट बेबीज का वेट होता है वो होता है लेस देन 1.5 kg और लेस देन 1500 ग्राम, 1500 ग्राम से कम और 1.5 kg से कम, वो आते हैं लो, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है लो बर्थ वेट बेबीज विटामिन के डोज इज, तो लो बर्थ वेट बेबीज हैं उसमें जो विटामिन के है वो कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1 mg per IM। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबीज पूछा है, तो यहाँ पे हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टर्म में पूछा है या प्री टर्म में, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 mg per IM। तो टर्म बेबीज़ में जो विटामिन के का डोज होता है वो होता है 1 mg per IM इंट्रावास्कुलर रूट के थ्रू देते हैं सून आफ्टर द बर्थ, और प्री टर्म में देते हैं जब बेबीज़ का वेट कितना हो मोर देन 1000 ग्राम हो, तो उनको 0.5 mg IM सून आफ्टर द बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कितने से कम वजन के बच्चों में हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाते हैं, तो जो लेस देन 2 kg वेट होता है बच्चों का उस टाइम पर उनको हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया जाता, वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है। इन्फेंट्स वेटिंग लेस देन 2000 ग्राम एंड बॉर्न टू
हेपेटाइटिस ए जी पॉजिटिव मदर शुड नॉट हैव द वर्थ डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन काउंटेड एज पार्ट ऑफ द एच पी वी इम्यूनाइजेशन सीरीज, तो ये उनको नहीं दिया जाता है, बाद में एक महीने के बाद दे सकते हैं जब उनका वेट है जो बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया है और क्रॉनिक डायरिया को कब रिकमेंडेड किया जाता है, जब जो स्टूल्स लूज स्टूल हैं मोर देन 14 डेज तक रहें, लास्ट फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैज टू मच ब्लीडिंग इट इज़ कॉज्ड बाय, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वेसिकुलर मोल होगा या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में क्या है, फर्स्ट मिल्क है जो मेमरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट से सीक्रेट होता है आफ्टर द डिलीवरी। कोलेस्ट्रम इज़ अ फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड इन लेट प्रेगनेंसी एंड द फ्यू डेज आफ्टर गिविंग द बर्थ। नेक्स्ट इज बिफोर गोइंग टू PICU हैंड वॉशिंग टाइम, तो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में एंटर करने से पहले हैंड वॉशिंग टाइम कितना है, तो है 3 मिनट। नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग स्टेप एंड टाइम, तो अकॉर्डिंग टू WHO के हैंड वॉशिंग के जो स्टेप 6 हैं और 60 सेकेंड्स तक हैं, तो 6 स्टेप क्या है, रब योर हैंड टुगेदर पाम टू पाम, रब द बैक ऑफ ईच हैंड विद द पाम ऑफ द ऑप्स एंड हैंड, अगेन रब पाम टू पाम बट दिस टाइम इंटरलेस द फिंगर्स ऑफ ईच हैंड। तो ये हैं जो स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं जो वॉशिंग हैंड वॉशिंग के स्टेप 60 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट आता है देयर इज अ रोड एक्सीडेंट पर्सन हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग एंड हैज बीन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, देन विच फ्लूड शुड एडमिनिस्टर फर्स्ट। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल लाया गया, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले कौन सा फ्लूड है जो एडमिनिस्टर करेंगे, तो वो RL रिंगल लैक्टेट। नेक्स्ट इज NRC फुल फॉर्म, तो NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेक्स्ट इज साके टेप इज यूज्ड फॉर, साके टेप किसके लिए यूज होता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड हु हैज हाइपोग्लाइसीमिया एंड मॉडरेट स्वेलिंग दैट व्हाट इज द डायग्नोसिस, उसको डायग्नोस होगा वो होगा सीवियर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज इन सीवियर माल न्यूट्रिशन व्हाट इज द मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, वो लेस देन 11.5। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 110 mm मीन्स 11.0 सेंटीमीटर, रेड कलर इंडिकेट्स सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। और यदि जब 12.5 रहे मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस टू 12.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर है, तो येलो कलर में आएगा, तो इसमें क्या इंडिकेशन होगा कि चाइल्ड इज एट रिस्क फॉर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड शुड बी काउंसल्ड एंड फॉलो अप फॉर ग्रोथ प्रमोशन एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है इन न्यूनेट्स व्हाट इज़ द करेक्ट रूट टू चेक द ब्लड शुगर, तो न्यूनेट्स में ब्लड शुगर चेक करने के लिए कौन सा रूट है जो यूज़ किया जाएगा, तो वो न्यूबॉर्न लेटरल हील। नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.5। नेक्स्ट इज एनजी ट्यूब साइज इन न्यूबॉर्न, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने छोड़ा हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है न्यूनेटल पीरियड, तो न्यूनेटल पीरियड होता है 0 to 28 days आफ्टर द बर्थ, 0 से लेकर मीन्स जिस दिन हुआ है उससे लेके 28 दिन तक की जो काउंटिंग होती है वो पीरियड आता है न्यूनेटल पीरियड में। नेक्स्ट इज HIV मदर कैन ब्रेस्ट फीड फॉर हिज बेबी इज इट ट्रू और फॉल्स, तो HIV मदर HIV पॉजिटिव मदर है जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट HIV मदर है वो ART थेरेपी ले रही हो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही हो HIV के एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। नेक्स्ट आता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV/AIDS। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन है वो कितना होता है, होता है 2 आवर, फर्स्ट 2 or 3 hours आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ MgSO4 इन एक्लेम्सिया, मैग्नीशियम सल्फेट का जो डोज एक्लेम्सिया है वो कितना होता है, मुझे इसके एक्चुअल ऑप्शन नहीं पता थे इसलिए मैंने इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। इंट्रामस्कुलर रेजिमेंट मोस्ट कॉमनली 4 ग्राम इंट्रावेनस लोडिंग डोज इमीडिएटली फॉलोड बाय 10 ग्राम इंट्रामस्कुलरली एंड देन बाय 5 ग्राम इंट्रामस्कुलरली एवरी 4 आवर्स इन अल्टरनेटिंग वटक्स।
नेक्स्ट आता है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर एट द टाइम ऑफ बर्थ, कौन सी वैक्सीन है जो एट द बर्थ एडमिनिस्टर की जाती है, तो ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ लासर, तो लुक अलाइक साउंड अलाइक। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज डिस्पोज इन विच कलर ऑफ बैग, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हैं जो ऑलवेज येलो कलर के बैग में डिस्पोज किए जाते हैं। ब्लड बैग इज डिस्पोज इन द येलो बिन। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इन, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के जो थ्री डोज होते हैं, थ्री डोज आर गिवन। फर्स्ट डोज इज गिवन एज पेंटावेलेंट वैक्सीन ओनली आफ्टर अ चाइल्ड इज सिक्स वीक ओल्ड, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के जो डोज हों उनको थ्री उसमें डोज में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट डोज होता है जब बच्चे छः वीक से ज़्यादा ओल्ड हो उस टाइम पर दिया जाता है। सेकेंड और थर्ड डोज है 10 और 14 वीक्स में दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसका किसी भी टाइप का बूस्टर डोज रिकमेंड नहीं किया गया है। ओनली पेंटावेलेंट वैक्सीन के तीन डोज हैं, फर्स्ट दिया जाता है 6 वीक ओल्ड हो गया बेबी, नेक्स्ट दिया जाता है 10 और 14 वीक्स में। नेक्स्ट आता है इफ़ द मदर फॉरगेट द LMP देन हाउ टू कैलकुलेट द EDD, यदि मदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भूल गई हो तो जो EDD है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा सोनोग्राफी होगी उसके थ्रू कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो अटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज, ट्रोमेटिक, ये दोनों सही है जिसके कारण सबसे ज़्यादा पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी बोथ। नेक्स्ट इज फॉर विच मेडिसिन टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, तो ऑक्सीटोसिन मीन्स कौन सी मेडिसिन है इसमें से जिसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन को स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 to 18 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम लाइट एक्सपोजर। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट आफ्टर द डिलीवरी हाउ फॉर मैनी डेज इज प्रिस्क्राइब्ड, तो कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट हैं जो आफ्टर द डिलीवरी कब तक प्रिस्क्राइब की जाती हैं, 6 मंथ तक। नेक्स्ट इज CPR रेशियो इन एडल्ट्स, तो CPR रेशियो एडल्ट्स में होता है 30/2। नेक्स्ट इज CPR रेशियो इन न्यूनेट्स, तो न्यूनेट्स में होता है 3/1 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो है। नेक्स्ट फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इन विच वीक, तो 16 वीक्स में फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल करती है मदर, फील करती है, और इसको इस साइन को क्या कहते हैं, कहलाता है क्विकनिंग। नेक्स्ट इज इन ऑटोक्लेव व्हाट शुड बी डन, क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन और डिसइनफेक्टेंट, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो जो इनिशियल मैनेजमेंट है पोस्टपार्टम हेमरेज का उसके लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाता है एज द इनिशियल मेडिकेशन फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। उसके बाद है जो अदर यूट्रोटोनिक्स मेडिकेशन है जो यूज़ की जाती हैं, तो ये ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करने के लिए। उसके बाद मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, मैनुअल रिमूवल ऑफ क्लॉट्स, यूट्राइन बलून टेम्पोनेड एंड यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये सभी चीज़ें की जाती हैं। बट जो फर्स्ट और इनिशियल मेडिकेशन है, मेडिसिन है, वो है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है प्रीटर्म लेबर, तो प्रीटर्म लेबर हैं जो कब कंसिडर किए जाते हैं, बर्थ दैट अकर्स बिफोर द 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट नॉर्मल वेट ऑफ द न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न का नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 kg। नेक्स्ट इज इन एवरी एंटीनेटल चेकअप व्हाट टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड, तो हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर और एल्ब्यूमिन, तीनों चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इन 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर अ न्यूबॉर्न, 24 घंटे में कितने बार है जो न्यूबॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए, तो वो है 8 times। नेक्स्ट इज इन प्रेगनेंट वुमेन हैव एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, नॉजिया एंड फीवर इज प्रेजेंट, देन व्हाट इज द डायग्नोस, उसको टाइफॉइड के सभी सिम्टम है। नेक्स्ट विच कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेस ऑफ हार्मोन, तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो यूज़ की जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, दी जाती हैं, जो जिनमें हार्मोन्स हैं जो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो वो है छाया। नेक्स्ट इज विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज इंजेक्टेबल, तो वो है अंतरा। नेक्स्ट इज PPIUCD इज इंसर्टेड आफ्टर डिलीवरी, मीन्स पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस डिलीवरी के बाद है जो कब तक इंसर्ट की जा सकती है, तो इंसर्ट हो सकती है विद इन 48 आवर्स आफ्टर गिविंग द बर्थ। तो गाइज यहाँ पर टोटल 52 questions थे। गाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।